हाँ ये देखिए इरम ने बनाया है और बहुत ही अच्छा बनाया है माशाल्लाह, और यूट्यूब पर देखकर बनाया है, और ये भी। तो ये सब देखने के लिए और हमारी रेसिपी देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में, और चलते हैं देख लेते हैं आज का जो वीडियो है वो हमने किस टॉपिक पे बनाया और कौन सी रेसिपी है जो आप सबके साथ हमने शेयर की। तो इसके लिए आपको हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देख लीजिए जनाब, ये क्या बना रहे हैं हम। ये है रतालू, एक मिनट, ये है रतालू। और हमारे घर पे है जो कोई पसंद नहीं करता इसको, सिर्फ हम पसंद करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए लाए थे बाज़ार से, जो हम इसकी अब सब्ज़ी बनाएंगे उसके लिए हमने प्याज लहसुन अदरक ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है रात की थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा बच गई थी, इरम ने पकाई थी ये सब्ज़ी, तो इसको हम बिल्कुल सूखा सा कर रहे हैं, और ये भी खाना के साथ चल जाएगी। तो बस अब रतालू बना लेते हैं, और रतालू बनाते टाइम आपसे मिलते हैं, और इसका पेस्ट बना लेंगे प्याज लहसुन अदरक का, और बस फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए रतालू को है जो छील लेते हैं, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये लाल लाल सा है जो हल्का सा, ये देख सकते हैं इस तरीके से निकलता है, और इसका ऊपर का छिलका उतार लेंगे। तो रतालू की सब्जी है जो हम भगवानी में बनाएंगे, और हमने ये देख सकते हैं ये रतालू जो है छील लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो ये देखिए तेल है जो गर्म हो गया है। तो रतालू जो है हम मेथी से बघार लगाएंगे, तो हमने ये मेथी दाना है जो ले लिए हैं, और हमने डाल दिए हैं मेथी दाना, और हमने ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट लिया था, हम वो भी। तो बस पेस्ट डालने के बाद में वही सब मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेना है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। तो हमने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, और यहाँ पर है जो डालेंगे अभी नमक। तो नमक आपको टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। बस अब मसाले को जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो बस ये जो है मसाला है जो अच्छे से सिक रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हमने रतालू काट लिया है। तो बस मसाला जैसे ही भुनता है वैसे ही रतालू इसमें डाल देंगे और पका लेंगे। तो ये एक मिनट, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है हम खाना बना रहे हैं, इनको हमारे ऊपर ही आना है कि हमें ऊपर बैठा, अब हम क्या करें, हमारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कान पे आगे चिल्ला रहे हैं, क्या है क्या है, देखो सब लोग देख रहे हैं, सब दोस्त देख रहे हैं कि जैनब कितनी बदतमीज होती जा रही, माँ के ऊपर बैठ जाती है, खाना भी नहीं बनाने देती है। चलो उतरो नीचे, चलो नीचे आओ। तो बस मसाला है जो भुन गया है, और अब हमने रतालू है जो डाल दिया, और अब इसको हम पका लेंगे। तो बस ये मसाले में ही पक जाता है, इसमें देर नहीं लगती, भाप में ही ये पकता है। तो बस अब हम इसको पकाएंगे। तो ये देख लीजिए रतालू बन के हो गया है बिल्कुल तैयार, और आ जाइए आप सब खाने के लिए। कैसा लगा रतालू बनाने का तरीका, और रतालू इसी तरीके से हम बनाते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को ये जो रेसिपी है कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी रेसिपी जो है पूरी नहीं हुई है, अभी साथ में और भी रेसिपी है जो आप सबके साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये है हमारी गुड़िया रानी, नाम क्या है, हैं नाम बताओ, सही से बताओ ना बेटी, नाम बताओ अपना, ऐसा नाम है। हाँ, तो ये आती है हमारी जैनब और फातिमा को खिलाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत पसंद है बिल्लियाँ, पसंद है। खड़ी हो गई, हाँ कुछ बात करो, करो ना, देखो देखो ये है माजरा। तो हमारी प्रथा जो है
बिल्लियों से बहुत प्यार करती है और बस अपने अंकल जी को लेके आ जाती है कि बिल्लियों के साथ खेलेंगे, है ना। बस 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 इतने करके नहीं। ए आदा तुमको तो बस बीच में आ गई थी फिर था, जो कि बच्चों को खिलाने के लिए आ गई थी जैनब वो फातिमा को, वो बहुत पसंद करती है। जब चाहे चली आती है कि बिल्लियों के बच्चों को खिलाना है, तो बस यहाँ पर जो है हमने मैदे को थोड़ा सा बिल्कुल मोन लगा के गून लिया है और इसकी बनाएंगे हम पपड़ी बनाएंगे, यानी गोल गोल पपड़ियाँ बनाएंगे। ये जो गोल गोल पपड़ियाँ हैं वो इरम को और इरम के पापा जी को बहुत पसंद हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। अब काट लेते हैं इनकी छोटी छोटी सी लोइयाँ और हमें इरम बेल कर देगी और हम सेक देंगे। तो हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, अभी गैस तो नहीं जलाया फिलहाल, गैस बाद में जलाएंगे जब ये 15-20 जो है पपड़ियाँ हैं जो बिल जाएंगी, इसके बाद में जलाएंगे गैस। तो चलिए लोइयाँ हैं जो काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देख लीजिए, ना ज़्यादा ना बड़ी, हमें इस साइज की गोलियां हैं जो बनाना है और हम इस तरह से गोल कर देंगे तो इरम इन्हें बेल लेगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बस ये देख लीजिए, पपड़ियां हैं जो बेल गई हैं और इरम बेलती जा रही है, और इसमें जो काला काला दिख रहा है ये हमने कलौंजी डाली है। तो चलिए आप जो पपड़ी है इनको अच्छे से सेक लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में भी, और चाय वगैरह से भी खाओ तो ये अच्छी लगती हैं। और हम इसी तरह से सारी पपड़ियाँ जो हैं सेक लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देख लीजिए, मैदा की पपड़ी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, और मैदा की पपड़ी है जो वो कैसी बनी और आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इरम ने बेल के दी और हमने सेकी, तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि इरम ने कितने अच्छे से बेली हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इरम ने बेल के दी पपड़ी और अच्छे से सेक गई। तो हाँ, इरम ने एक चीज़ और बनाई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो बने रहिए अभी वीडियो में और चलते हैं देख लेते हैं इरम ने ऐसा क्या बनाया जो हम आप सबको दिखाना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये देख लीजिए आप इसको देख लीजिए, ये जो हमारी मोंटी गिफ्ट लाया था उसके ऊपर ये लगा हुआ था, उसमें कुछ मोती डाल के ये ऊन का है जो बलून सा बना दिया और उसने टांग दिया। और क्या बनाया, तो हाँ ये देख लीजिए, ये इरम ने ऊन का और कुछ मोतियों का ये झूमर बनाया है छोटा सा, और ये भी उसने YouTube पर देखकर ही बनाया है। माशाल्लाह देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और हाँ ये भी बनाया, और ये कुछ दिन पहले बनाया था, ये देख लीजिए, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस चलते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।